करने वाले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अगर आपके घर में दो बेटियां हैं तो देखिए आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कर सकते हैं। ये योजना केवल दो ही संतान के लिए वैलिड होती है, योजना का लाभ नहीं ले सकते। अगर तीसरी संतान आपने गोद ले रखी है तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और आपकी पहली किस्त आ चुकी है तो इस वीडियो में हम आपको रिन्यूअल करके दिखाएंगे। क्योंकि क्लास के लिए जाते हैं तो वैसे ही आपको इसे रिन्यूअल करना होता है। तो देखिए आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले करना क्या, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लॉगिन आईडी फिल करना, पासवर्ड आपने क्या बनाता है वो डाल देना, सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना और सेंड SMS OTP कर देना। देखिए जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। तो देखिए OTP है, देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल पर यहाँ पर भेज दिया गया, तो वही OTP यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP एंड साइन इन वाली बटन आपको यहाँ पर खुल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके गूगल करके दिखाएंगे तो हम यहाँ पर अप्लाई वाली बटन पर टिक कर देंगे। तो देखिए इनकी पहले अप्लाई किया था वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनके देखिए 3000 रुपया आ चुके हैं। अब दूसरी देखिए यहाँ पर बटन इनकी खुल चुकी है, एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो इसी बटन पर टिक करना है। तो अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, आपको इसी बॉक्स को चेक कर लेना है, इस पर टिक कर देना है और यहाँ पे अपडेट वाली बटन पर टिक कर देना है। अगर कोई अब चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो इसी पर टिक कर देना है। 4 पे हैं तो यहाँ पे देखिए एडमिशन से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया और यहाँ पे PFMS की जो बेनिफिशियरी आईडी है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब यहाँ से पूछ रहा है जो पहले जिस अकाउंट में पैसे आए थे कि आप वही अकाउंट नंबर रखना चाहते हैं, तो देखिए हम वही रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अगर नो कर देंगे तो आप अपने हिसाब से कोई दूसरा अकाउंट नंबर भी लिंक कर सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे यही नंबर रखेंगे, यही अकाउंट रखेंगे, तो यहाँ पे यस ही रहने देंगे। पूछ रहा है रजिस्टर गर्ल आफ्टर एडमिशन इन 6th क्लास, बच्ची 6th क्लास में पढ़ रही है, तो देखिए वो स्कूल आपका गवर्नमेंट है फिर एडेड है फिर अदर रिकॉग्नाइज है। अगर देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट एडेड है किसी दूसरे से अटैच है तो आपको एडेड सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम फिल करना है, क्लास अपने आप आ जाएगी, एज के हिसाब से क्लास यहाँ पे ले लेता है और आपको यहाँ पे जो एड्रेस है स्कूल का क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, किस तारीख को एडमिशन हुआ वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास UDIS नंबर है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो देखिए ऑप्शनल है, ऐसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस पर टिक करके चेक कर लेना है। अब जैसे चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे गर्ल का फोटो मांगा जाएगा, JPG PNG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ है 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए और जो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन इन क्लास 6 की साथ जो आपको पास जो रिजल्ट कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए जब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके ग्रीन टिक लग जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, आपको फाइल का नाम कुछ इस तरह के जैसे A2 है, C6 है, B1 है, A6 है, ZY है, कैसे करके देना है मतलब फाइल का नाम जरूर देना, तभी आपका सेव होगा। अगर आपने फोटो पे फोटो लिख दिया तो देखिए आपका सेव नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये फॉर्म है ये अप्लाई हो रहा है वो आंगनवाड़ी सेंटर से हो रहा है, तो देखिए आंगनवाड़ी सेंटर से अगर हो रहा है तो ही यस करना, अन्यथा आपको जनसेवा केंद्र से करा रहे हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर ये यहाँ पर जो घोषणा लिखी है अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है हिंदी में देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो हिंदी में आ जाएगी, नहीं तो आपको इस टर्म को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, अप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और अप्लीकेशन नंबर इतना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको नोट करना है नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा भेज भी गया है तो यहाँ से ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट जनरेट कर दी जाएगी जिसमें आपने अप्लाई किया, वो सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा, अप्लीकेशन नंबर वो, बालिका का नाम, आवेदक का नाम, स्थायी पता पूरा यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए स्टेज वाइज स्टेज कौन सी क्लास में कितना पैसा मिलता है, किस श्रेणी में कितनी एज से लेकर कितनी एज तक आपका रहता है वो यहाँ पर आप टेबल भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। देखिए ये कहीं आपको जमा करने की जरूरत नहीं, बस अपने पास रखना है, जो डिटेल फिल हो से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो पे हम पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे। ये देखिए मैंने रिन्यूअल बताया, जो लोग ऑलरेडी अप्लाइड पहले कर चुके हैं केवल उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, केवल उन्हें रिन्यूअल करना है बस। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे सब्सक्राइब कर लें। योजना से रिलेटेड अगर कोई नई अपडेट आती है तो उसका वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।